दाल बाटी सुरमा राजस्थानी खुरमा। राजस्थान से जो जैसबल का कहर आया तो मुंबई वालों की पसीने सूख गए। रनों की बारिश भी हुई, आतिशबाजी भी हुई। हम तो बैठे थे रियान पराग का बल्लेबाजी देखने के लिए, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। वो जायसवाल जो ये कह रहे थे कि T20 विश्व कप में हम सबसे आगे हैं, फिर पिछड़ गए, सबके पीछे चले गए, लेकिन फिर काल की ये इनिंग्स की वजह से लगता है वो आगे आ गए हैं। 60 बॉल पर 104 रन और इस बारी के साथ ही जायसवाल ने विश्व कप के लिए अपना दावेदारी पेश कर दिया। T20 विश्व कप में जायसवाल को ओपनिंग से हटाना इतना आसान नहीं होगा। ये वो जायसवाल है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ही सीरीज में 700 रन बना के आए थे, लेकिन अपना फॉर्म ढूंढ रहे थे, लेकिन काल की इनिंग्स की वजह से उनका फॉर्म वापस आ गया, हमें ऐसा लगता है। जायसवाल ने काल अपना जलवा जलाल कर दिया। जायसवाल ने 2024 की IPL की शुरुआती 6 मैच में सिर्फ 121 रन बनाए थे। जायसवाल बहुत परेशान था, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो अपने अंदाज में वापसी की। जायसवाल का IPL में यह दूसरा शतक था और इसी जायसवाल ने 22 साल की उम्र में 2 शतक लगा दिए IPL में, जो बड़े बड़े सुरमा नहीं लगा पाते। जायसवाल ने 104 रन बनाए और इसी का असर था कि राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई को 9 विकेट से हरा दिया। जायसवाल की इस शानदार बारी को देखते हुए रोहित शर्मा ने खुद जाकर जायसवाल का पीठ थपथपाया। मैच शुरू हुआ तो मुंबई की कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की शुरुआत खास नहीं रहा। रोहित शर्मा जिन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए और ईशान किशन ने तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया, जबकि सूर्या कुमार यादव ने रन बनाए 10। उसके बाद तिलक वर्मा ने एक शानदार बारी खेलते हुए 45 गेम पर 65 रन बनाए। नोबी ने 17 गेम पर 23 रन बनाए, जबकि वाडेरा ने 24 गेम पर 49 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 10 गेम पर 10 रन बनाए, टीम डेविड ने बनाए 3। 20 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट गवाकर कुल रन बनाए 179 और RR के सामने टारगेट रखा 180 का। 180 रन का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स का शुरुआत शानदार हुआ। जॉस बटलर ने 25 गेम पर 35 रन बनाए और जायसवाल तो आउट ही नहीं हुई, उन्होंने 60 गेम पर 104 रन बनाए, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कप्तान संजू सैमसन ने 28 गेम पर 38 रन बनाए। और इस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई के सामने ये मैच 9 विकेट से जीत लिया 8 गेम रहते ही। राजस्थान रॉयल्स की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा ने 5 विकेट चटकाए, जबकि टेंट बोल्ट ने लिए 2 विकेट। और इन दोनों गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजों की बदौलत ही मुंबई इंडियंस 179 रन पर ऑल आउट हो गए थे। फिलहाल पॉइंट्स लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स टॉप पर है। IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से 3 शतक लगाया गया। राजस्थान रॉयल्स में 4 खिलाड़ी ऐसा है जो T20 विश्व कप के लिए अपना दावेदारी पेश कर चुका है। सबसे पहले रियान पराग ने T20 विश्व कप के लिए अपना दावेदारी पेश किया। उसके बाद संजू सैमसन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए T20 विश्व कप के लिए अपना दावेदारी पेश किया। और आखिर में काल शानदार बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने भी ओपनिंग का दावेदारी पेश कर दिया है T20 विश्व कप के लिए। और एक नाम लेना चाहूँगा जिनको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और वो है संदीप शर्मा। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की काल और 5 विकेट लिए, उनको भी विश्व कप के लिए लिया जा सकता है। वैसे भी हमारा गेंदबाजी हमेशा से ही कमजोर रहते हैं, लेकिन इस बार लगता है संदीप शर्मा जाएंगे और साथ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।